इंदौर में सोमवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से अब इंदौर को ट्रैफिक के मामले में भी अव्वल बनाने का संकल्प लिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोमवार को इंदौर की डीआरपी लाइन पर इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन के बैनर तले सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी, एडीजी मिलिंद कानस्कर, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर लोकेश जाटव की मौजूदगी में समारोह पूर्वक सप्ताह की शुरुआत की गई और तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़कर यातायात नियमों के पालन का संकल्प भी दोहराया गया। पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करेंगे। यातायात के नियमों के पालन हेतु प्रेरित करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि वर्ष 2019 में पुनः यातायात इंदौर को नंबर वन बनाएंगे। डीआईजी सर से माननीय एडीजीपी मिलिंद कानस्कर सर, आप लोग स्वागत करें। जागरूकता का अभियान ऊंचाइयों को प्राप्त करें और लगातार हर व्यक्ति के, हमारे स्टूडेंट्स के मन में, विद्यार्थियों के मन में एक धारणा बने, ये हमारी शुरुआत। और अब अनुरोध है माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि यातायात कैलेंडर। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि आज यातायात नियमों के पालन की अनिवार्यता के साथ साथ जागरूकता भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने 12वीं बोर्ड और कॉलेज में यातायात से जुड़ा पाठ्यक्रम भी जोड़ने की बात कही। इंदौर चूंकि सर ने जैसा बताया कि हम प्रथम स्थान पे है कि दुर्घटनाओं में कमी आए, इसके लिए सभी हमारे परिवार के जो ट्रैफिक के जवान है, जो इससे संबंधित परिवार के साथी हैं, वो चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एनजीओज हो, जो स्वयं सेवाएं देते हैं, ऐसे कई व्यक्तिगत लोग होते हैं जो ट्रैफिक को लेकर जगह जगह हम देखते हैं, खड़े रहते हैं। एक पहले ट्रैफिक को लेकर एक बहन थी, बहुत सीनियर है, वो हर बार हर चौराहे पर रहती थी, अभी बीमार है। ऐसे ही अभी रंजीत का जिक्र किया, मैं समझता हूँ इंदौर का हर नागरिक रंजीत को जानता होगा। वो दिन भर मेहनत करता है, जितनी देर उसकी ड्यूटी होती है पूरे शरीर को थकाता रहता है। कई उसके इंटरव्यू हुए, जब इस बार अवार्ड्स मिल रहे थे पुलिस विभाग के, तो मैंने पूछा सर से कि इसका नाम क्यों नहीं है, तो सर ने कहा कई बार ले चुका है, बार बार आता है, ठीक नहीं बनता है। तो ये एक विषय है कि अच्छे काम करने वालों के लिए कहीं कहीं कुछ मिले नहीं मिले, पर एक अंतर आत्मा से दुआ जरूर मिलती है, भावना जरूर बनती है। अभी मैं देख रहा हूँ जगह जगह आप लोग, आपने लिखा है कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। उसका दूसरा जो पक्ष देखें तो हर शराब की दुकान पे आता है और आते पे 10 बजे तक शराब पी के अंदर पिला के हम उसको भेजते हैं। तो अगर वो पी के आप एक तरफ पिला रहे हो, शासन पिला रहा, सरकार पिला रहा, और दूसरी तरफ हम अगर ये कहें कि आप पियो मत, तो दोनों कानून अपने आप में एक दूसरे के विरोधाभासी। तो जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं, हमारे जवान हैं, इनको भी गलती करने वाले को किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है सर। आप सरल तरीके से, सही तरीके से, एक उसकी अंदर की धारणा को ललकारते हुए, झंझोड़ते हुए अगर कोई बात कहेंगे तो शायद हम, तो इस तरह की ट्रेनिंग का एक पार्ट होना चाहिए। दूसरा, जहां तक कोर्स में लाने की बात है, 12वीं में जब बच्चा आता है लगभग 16 साल 15 साल का हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि मैं पहला काम कल ही ये करूंगा कि 12वीं में इस कोर्स को कंपलसरी करना चाहिए। और कुछ कमी रहे तो फर्स्ट ईयर में, जब चूंकि ये इसका सदुपयोग सही समय कर, तो किसी भी कोर्स, किसी भी विधा के फर्स्ट ईयर में इस कोर्स को फिर रिपीट करना चाहिए। तो दो एक ऐसे विषय होते हैं जब हम बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से इसके लिए ट्रेन कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे। इस मौके पर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भी सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक सुरक्षा पर जोर दिया और बढ़ते यातायात के दबाव के चलते नियमों के सख्ती से पालन की बात भी कही। किसी भी शहर में, भारत के किसी भी शहर का अगर हम सर्वे करते हैं और वहां पे अपराधों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तो एक बात बड़ी प्रमुखता से सामने आती है
किसी भी शहर में जितने भी हत्याएं होती हैं या अपराधों में जाने जाती हैं, उससे लगभग 5 गुना से 6 गुना ज्यादा संख्या एक्सीडेंट्स में जान जाने वालों की होती है। ये आंकड़े खुद इस तरह के घटनाओं के और मुख्यतः दुर्घटनाओं के एक बढ़ते भयावह रूप को चित्रित करते हैं। चाहे इंदौर हो, इंदौर शहर में औसतन 90 लोग प्रतिवर्ष हत्याओं में जान गंवाते हैं, इस तरह के अपराधों में जान गंवाते हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में यह संख्या लगभग 600 के आसपास है। इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी भयावह चुनौती है एक्सीडेंट। अपराध की दृष्टि से भले ही आईपीसी में इसको उतना ज्यादा गंभीर न प्रतीत होता हो, लेकिन जिस व्यक्ति की जान जाती है, जिस व्यक्ति का परिवार पीछे छूटता है, जिस व्यक्ति का परिवार अनाथ होता है, उसके लिए व्यक्ति का चले जाना उसके लिए उतनी ही बड़ी चुनौती होती है। और शायद इसकी इस भयावहता पर करने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इस अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने बड़े ही अल्प निवेदन पर उन्होंने तत्काल इस कार्यक्रम में सहर्ष स्वीकृति दी, और मुख्य तौर पर इस तरह के आयोजन में जिसमें ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे कि सुरक्षा, यातायात सुरक्षा कितना अहम है, उस पर एक रेखांकित करने की कोशिश की गई, जिस पे लगातार हर महीने कुछ लोगों की जाने जा रही है और औसतन 6 महीने में 5 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी है। वहां पे हम लोगों ने ड्रोन कैमरे लगवाए, ड्रोन कैमरे से अध्ययन किया कि आखिर एक्सीडेंट्स की वजह क्या है, और जब उस एक्सीडेंट के लिए हमारी टीम ने उस पूरे फुटेज का अध्ययन किया तो पाया गया कि उस फुटेज के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है। तत्कालिक तौर पे इन्फोर्समेंट से संबंधित, पुलिस से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको तत्काल उसमें लागू किया गया, और लागू करके मैं बताना चाहूंगा कि एक सबसे जो बेहतर परिणाम उसमें आया, पिछले वर्ष में 2018 में पूरे भारत में सबसे ज्यादा जिस शहर में एक्सीडेंट्स में कमी आई है वह शहर इंदौर था। इस मौके पर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने भी इंदौर को स्वच्छता के बाद ट्रैफिक के मामले में अव्वल बनाने की बात कही है। यातायात व्यवस्था का एक मांग आधारित पहलू है, एक सप्लाई आधारित पहलू है। सप्लाई साइड में हम लोग काम कर सकते हैं, सड़कें चौड़ी कर सकते हैं, अतिक्रमण हटा सकते हैं, रोटरी बड़ी कर सकते हैं, सिग्नल लगा सकते हैं, ये काम पुलिस प्रशासन नगर निगम मिलकर कर सकता है। लेकिन इसका जो एक मांग आधारित पहलू है कि आज हम सब देखते हैं, हम सब कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में होते हैं। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है, ऑफिस से घर जाने की जल्दी होती है, घर से मार्केट जाने की जल्दी होती है, और इस जल्दबाजी में हम कई बार रूल्स ब्रेक करते हैं, ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं, जिसमें ना सिर्फ हम अपने आप को रिस्क में डालते हैं बल्कि सामने वाला जो वाहन चालक है उसका जीवन भी हम लोग रिस्क में डालते हैं। जो 1.5 लाख मृत्यु होती है ट्रैफिक के वायलेशन से, उसमें आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंस होता है वो यूथ में होता है, और किसी परिवार के लिए बहुत क्षति का विषय होता है, बहुत शोक का विषय होता है जब उनके घर का कोई जवान बच्चा या बच्ची अगर इसी किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि यहाँ से आज हम जो सीख लेके जाएं, बेहतर ट्रैफिक, बेहतर इंदौर, उसमें हम सब जितना भी सकारात्मक रूप से योगदान दे सकते हैं, हर ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी चलाते समय सिर्फ सब्र का इम्तिहान दें। हम लेट तब नहीं होंगे जब हम घर से 5 मिनट पहले निकलेंगे। बस जब भी हम अपना घर छोड़ें, गाड़ी में बैठे, हमेशा ये चीज ध्यान में रखें कि हमें जहाँ जाना है, अपने गंतव्य की जो दूरी है वो हम दिमाग में रख के चले, और जब निकलना हो बस 5 मिनट पहले हम लोग अपना सफर शुरू करें, ताकि संयमित और धीरे स्पीड में सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें। इस अवसर पर ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने पर भी फोकस किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को नियमों की जानकारी भी दी गई है। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी ने बकायदा हेलमेट पहनकर बाइक रैली में भी हिस्सा लिया, जिसे कलेक्टर और DIG ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बुलाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का पाठ पढ़ाने के साथ ही जिम्मेदारों ने एक बार फिर ट्रैफिक के मामले में इंदौर को नंबर 1 बनाने का संकल्प दोहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।